भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 बोरी चीनी लहसुन को जब्त कर नष्ट कर दिया है। इस लहसुन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया क्योंकि इसे चीन में गंदे पानी और खतरनाक रसायनों का उपयोग करके उगाया गया था। भारत में इस प्रकार के लहसुन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, फिर भी इसे नेपाल के रास्ते तस्करी करके देश के बाजारों में लाने की कोशिश की जा रही थी। चीनी लहसुन को तस्करी के जरिए नेपाल से भारत लाया जा रहा था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा और कस्टम विभाग के हवाले कर दिया। जांच के बाद यह पाया गया कि इस लहसुन का सेवन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जिसके चलते इसे नष्ट करने का निर्णय लिया गया। तस्करों द्वारा लाए गए इस लहसुन के अलावा कई अन्य सामान जैसे कॉस्मेटिक, मक्का, चावल, गेहूं और प्याज की तस्करी भी सीमा पार से हो रही है। हालांकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तस्करी पर रोक लगाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, परंतु यह अवैध गतिविधि अब भी जारी है। सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के बावजूद तस्कर अपनी गतिविधियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों के प्रयास पर्याप्त नहीं है या फिर इस अवैध धंधे में कुछ लोगों की मिली भगत है। भारत नेपाल सीमा पर फैले 7 थाना क्षेत्रों में तस्करों का एक मजबूत नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस और प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। तस्कर सुरक्षा बलों को चकमा देकर लगातार अवैध व्यापार को संचालित कर रहे हैं, जिससे भारतीय बाजारों में तस्करी का सामान पहुँच रहा है और नागरिकों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इस तस्करी पर कैसे लगाम लगाएंगी और कब तक आम नागरिकों को इन खतरनाक पदार्थों से बचाया जा सकेगा। महाराजगंज से मोहम्मद मुस्लिम की खास रिपोर्ट। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।